ओके जी, आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टार्ट करने हैं। अगर आपका कोई प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो और आज के लेक्चर में कहीं भी क्वेश्चन है तो आप दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली जो जीपी यूज़ हैं दे आर इसमें हेट्रोजीनियस एग्जीक्यूशन मॉडल है इनका। हेट्रोजीनियस का मतलब यह है कि जो आप अभी तक सीपीयू जो इंटेल के और आपने वेक्टर प्रोसेसर्स पढ़े हैं वो जो जनरल पर्पस प्रोसेसर है जीपीपी जिसकी आपने इंटेल और रिस्क फाइव के आर्किटेक्चर्स पढ़े हैं वो सीपीयू और जीपीयू ये दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है जी। तो जीपीयूज के अंदर जो है वो हेट्रोजीनियस एग्जीक्यूशन मॉडल है। अकेले जो है ना जीपीयू विदाउट सीपीयू इनका पर्पस ख़त्म हो जाता है। तो इनको यूज़ करने के लिए जी डिवेलप अ सी लाइक लैंग्वेज फॉर GPU ये डिवेलप हो चुकी है, उसका नाम है जी कूडा। वो अभी हम आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो कूडा है बेसिकली यूनिफाई ऑल फॉर्म ऑफ GPU पैरेललिज्म एज कूडा थ्रेड। तो अभी तक हमने जितनी भी डेटा लेवल पैरेललिज्म को स्टडी किया, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, डेटा लेवल पैरेललिज्म और थ्रेड लेवल पैरेललिज्म जो हम नहीं पढ़ सके, हर तरह की जो पैरेललिज्म है ये कूडा थ्रेड्स के अंदर जो है कूडा प्रोग्रामिंग के अंदर आप इनको मॉडल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली कूडास के अंदर जो कूडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जीपीयूज़ के लिए स्पेशली एनवीडिया के लिए, एनवीडिया के जो जीपीयूज़ हैं उनके लिए यूज़ होती है। इसमें आप इन टर्म्स ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो बात करते हैं। अब थ्रेड्स जो हैं आप बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम भी थोड़ा सा यहाँ पर कवर करते हैं। ये जो जीपीयूज़ के थ्रेड हैं ये दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर पॉजिक्स थ्रेड्स। ठीक है। तो जो ये प्रोग्रामिंग मॉडल है कूडा, इट इज़ एक्चुअली सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड मॉडल। ठीक है जी। तो ये आपका एक ऑर्डिनरी माइक्रो प्रोसेसर है जो आप पीछे अब तक देखते आ रहे हैं। इसमें होता ये है कि आपके मल्टीपल ALUs होते हैं और ये डीपली पाइपलाइंड होते हैं और एक कंट्रोल यूनिट होता है जो बेसिकली इनको कंट्रोल कर रहा होता है और एक लार्ज कैश होती है। ये लार्ज कैश क्यों होती है जी? को क्यों होती है जी लार्ज कैश? ये कौन बताएगा मुझे कैश क्यों होती है इनमें? आप लोगों का मेट तो बहुत करीब है तो कोई बताएगा इसमें से कैश क्यों होती है? जी कोई आंसर करना पसंद करेंगे? चलिए जी हम थोड़ी जी जी दोबारा बताएं। फास्ट फास्ट एक्सेस के लिए डाटा। यस गुड, बिल्कुल यही चाहते हैं हम कि हमारी जो है मेमोरी से जो डाटा एक्सेस करना है हमने रीड और राइट ऑपरेशंस करने हैं, लोड और स्टोर फास्ट हो जाए। गुड। ठीक है जी। तो एक डायनामिक रैम है जो बेसिकली आपका जो आपकी मेमोरी है जिसमें से आप बेसिकली अगर आपको आपका वर्ड जो है वो मेमोरी मेमोरी में कैश में नहीं मिलता तब ही आप रैम में जाते हैं। ठीक है जी। तो GPUs जो है उसमें क्या है जी, ALUs हैं वो बेताश हैं, बहुत सारे जो ALUs हैं। ठीक है। और एक पूरी अरे है ALUs की, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं डेटा लेवल पैरेललिज्म को स्टडी कर रहे हैं और डेटा लेवल पैरेललिज्म के अंदर क्या होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, हम इस ये मॉडल को देख रहे हैं। तो उसमें ये होगा एक इंस्ट्रक्शन होगी और जो डेटा है वो इन सब ALUs पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है जी। और इन सब ALUs के लिए जो ये पूरी अरेज हैं इनमें से हर एक के साथ एक छोटा सा कंट्रोल यूनिट है जो बेसिकली GPUs के अंदर कंट्रोल यूनिट नहीं होता, कंट्रोल यूनिट का एक अल्टरनेटिव एक पार्ट होता है जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो ये कंट्रोल फिलहाल इसे आप कंट्रोल यूनिट समझ लें। और इस हर एक के साथ एक छोटी सी कैश होती है, ये लार्ज कैश है, ये स्मॉल कैशेज हैं। ठीक है जी। और एक मेन मेमोरी बिल्कुल होती है क्योंकि बेसिकली ये रैम जो है ये आपके CPUs के साथ भी कनेक्टेड है, GPUs के साथ भी कनेक्टेड है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो आपके GPUs हैं दे आर इन बेसिकली हेट्रोजीनियस एग्जीक्यूशन मॉडल में काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो जो CPUs हैं जैसे इंटेल का है रिस्क फाइव है जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इनका जो डिज़ाइन होता है बेसिकली लेटेंसी ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है। ये लार्ज कैश होती है ताकि आपकी जो आपकी एक्सेस फास्ट हो, एक्सेस फास्ट होगी तो आपकी लेटेंसी जो है वो कन्वर्ट लॉन्ग लेटेंसी मेमोरी एक्सेसेस टू शॉर्ट लेटेंसी एक्सेसेस, आपकी लेटेंसी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है जी।
और ये जो ALUs हैं ये बहुत पावरफुल हैं, इनमें बहुत सारे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं और ये डीपली पाइपलाइंड है। और ये बेसिकली ये ALUs ऐसे हैं कि इनमें भी लेटेंसी जो है वो बहुत मिनिमम है। ठीक है जी, आप डेटा फॉरवर्डिंग आप लोगों ने पढ़ी थी, डेटा फॉरवर्डिंग के जरिए भी आप लेटेंसी जो है वो लो कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये जो कंट्रोल है या कि बेसिकली ब्रांच प्रोटेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, डेटा फॉरवर्डिंग फॉर रिड्यूस डेटा लेटेंसी। ठीक है जी, बेसिकली ये सब काम जो हो रहे हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, उनका पर्पज़ यह था कि आपकी जो लेटेंसी है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है जी, तो CPUs जो डिज़ाइन करते हैं आप जनरल, बेसिकली ये CPU से बेहतर वर्ड ये है जनरल पर्पज़ प्रोसेसर, GPP। तो ये जनरल पर्पज़ प्रोसेसर जो हैं बेसिकली दे आर डिज़ाइन फॉर लेटेंसी इम्प्रूवमेंट। आप चाहते हैं कि इसमें लेटेंसी जो है वो मिनिमम हो, जबकि जो आपके जनरल सॉरी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं GPU, ये थ्रूपुट ओरिएंटेड डिज़ाइन पर बेस्ड होते हैं। इनमें आपकी कैशे स्मॉल होती हैं, बेसिकली इन्होंने वेक्टर्स ऑफ डेटा पे ऑपरेट करना है। अगेन ये वेक्टर आर्किटेक्चर से भी डिफरेंट है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं GPUs और वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर, हम आगे आगे जाके देखेंगे कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, लेकिन ये अगेन ये वेक्टर आर्किटेक्चर्स नहीं हैं, दे आर जनरल ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि GPUs की अलहदा से हमें ज़रूरत क्यों है। इनमें सिंपल कंट्रोल है जी, ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये कंट्रोल जो है ना बेसिकली ये आपका कंट्रोल यूनिट नहीं है, GPUs के अंदर कंट्रोल यूनिट नहीं होता। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसलिए मैं उस तरफ नहीं आ रहा, तो ये अभी समझ लें कि कंट्रोल नहीं है, राइट। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं जी नो ब्रांच प्रिडिक्शन नो डेटा फॉरवर्डिंग, यहाँ पे ये कंट्रोल यूनिट नहीं है, यहाँ पे कुछ और पार्ट है जिसका हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है जी, और ये जो ALUs हैं ये सिंपल होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। ये CPUs की तरह डीपली पाइपलाइन नहीं होते, डीपली पाइपलाइन नहीं होते, लेकिन ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से इनमें जो है लेटेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CPUs। ठीक है जी, अब इस लेटेंसी अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर GPU फास्ट कैसे हो सकते हैं, एक क्वेश्चन है, क्या ख्याल है? अगर इतने सारे ALUs हैं, लेटेंसी ज़्यादा है, तो क्या वजह हो सकती है? उसकी एक वजह तो ये है जनाब कि ये रिक्वायर मैसिव नंबर ऑफ थ्रेड्स टॉलरेट लेटेंसीज, ये साइमल्टेनियसली इतने ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं कि आपकी लेटेंसीज जो होती हैं उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप एक ऑपरेशन परफॉर्म किया फिर आपने वेट किया फिर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया फिर वेट किया, लेटेंसीज को आपने इस तरह ओवरकम करते हैं कि आप साइमल्टेनियसली इतने सारे जो ALUs हैं, इतने सारे जो ALUs ग्रीन में जो ग्रीन कलर के हैं, ये सब के सब ALUs हैं बेसिकली। ये जो एक सिंगल रो है जिसमें ये सब ALUs हैं और एक कंट्रोल यूनिट है जो बेसिकली कंट्रोल यूनिट नहीं है, कुछ और है, और एक कैश है, ये एक कंप्लीट वेक्टर प्रोसेसर के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, तो GPUs के अंदर आपके मल्टीपल वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको थोड़ी देर में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो जो इसकी टॉलरेंस है, ये आप इस तरह कवर करते हैं कि आप साइमल्टेनियसली बेतहाशा ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपकी थ्रूपुट जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए GPUs के लिए। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछें। ओके जी, अब जो आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं अपनी पूरी इंजीनियरिंग में, पाइथन सी जावा इवन असम्बली भी, तो ये जो GPUs की प्रोग्रामिंग है ना, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की तरह नहीं है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि भैया आप एक आपको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, इस परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए इसका इसके इस इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली GPUs की स्पेशली हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है जी, कोई बताएगा मुझे हमें GPUs की ज़रूरत क्यों है? जो हमने ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशंस करनी, ज्यादा कंप्यूटेशंस हो, कोई हैवी किस्म की प्रोसेसिंग करनी हो। तो आपने कोई ऐसा ऐसी एप्लीकेशन यूज़ किया है, ऐसा कुछ लैपटॉप से कंप्यूटर्स पे कुछ किया जिसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए हो? आमतौर पे मशीन लर्निंग के अंदर हम जो करते हैं, या कोई जो गेम्स जब खेलते हैं, ज्यादा यस ज्यादा हाई एंड ग्राफिक्स वाली होती है, तो यस, आप में से काफ़ी लोग गेम्स खेलते होंगे, बल्कि आई गेस हर एक ने कंप्यूटर पे गेम्स खेली होंगी। तो उसमें होता क्या है, अगर आप जस्ट एक की भी प्रेस कर रहे हैं और यानी आपने एक सिंगल मूवमेंट भी किया है, तो आपकी स्क्रीन पे जो पूरा फ्रेम है, पूरी स्क्रीन है, उसने चेंज होना है। ठीक है,
तो अगर आप ऑर्डिनरी प्रोसेसर यूज करेंगे तो वो आपको रुक रुक के आपकी गेम, आप कह लेंगे एक तरह से रुक रुक के आपकी गेम चल रही है, आपका फ्रेम चेंज होने में जो पीछे कैलकुलेशंस हो रही हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगी। तो आपका जो GPUs है, जो आपकी स्क्रीन है गेमिंग में, जो आप एक सिंगल सिंगल की प्रेस करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक फायर किया है या आपने एक सिंगल एक लेफ्ट राइट मूव किया अपने करेक्टर को, तो आपका पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है। वो पूरा फ्रेम चेंज होने के लिए जो साइमल्टेनियस आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपका आपकी आपका जो फ्रेम है उसमें उसकी बैक एंड पे जितनी भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है वो आपका बेसिकली GPU यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। वो आपके जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, आपके जो कलर्स हैं 3 बेसिक कलर्स, 8 बिट्स फॉर ईच रिक्वायर्ड हैं और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी 8 बिट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो GPU साइमल्टेनियसली पैरेलल में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है और इतनी इसमें ALUs हैं कि आपका जो फ्रेम है, अगर आप सिंगल मूवमेंट भी कर रहे हैं, स्लाइड सी मूवमेंट भी कर रहे हैं और आपके फ्रेम चेंज भी हो रहे हैं तो आपको फील भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही काम ऑर्डिनरी प्रोसेसर से कर रहे हैं और एक गेम खेल रहे हो तो आपको जिसमें आपके फ्रीक्वेंटली फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं उसमें आपको जो है वो लेटेंसी जो है आप गेम में आपको फील होगी और आप वो स्मूथ आप सीखेंगे गेमिंग के टर्म्स में आप कहेंगे कि भी आपकी गेम जो है वो रुक रुक के चल रही है, स्मूथ नहीं है, ठीक है जी। तो इस वजह से हमें बेसिकली GPU चाहिए। अब ये GPU शुरू में तो गेमिंग के लिए ग्राफिक्स के लिए डेवलप हुए थे लेकिन अब इनकी बेतहाशा एप्लीकेशन है जिनमें से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और बेतहाशा इसकी एप्लीकेशन है। मेडिकल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है जी। मशीन लर्निंग में बिल्कुल इसकी जो है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो बेसिकली अब हमें एक आम तरीके से नहीं सोचना कि भाई हम जो कुछ लिखेंगे अपना काम करेंगे कंपाइलर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपना कोड कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि भैया आपके GPU के अंदर है क्या क्या, वो किस तरह ऑर्गेनाइज हैं, उनमें मेमरी किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड सो ऑन, ठीक है। तो बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं आप प्रोग्रामर्स को देखने पड़ते हैं और उन्हें परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है जी। उसमें से सबसे बड़ा एक काम है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, GPU अकेले काम नहीं करते। आपका जो एक CPU है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं RISC-V और Intel, ठीक है, और जितने भी ARM के माइक्रो प्रोसेसर हैं जो भी आप पढ़ चुके हैं, एक जनरल पर्पज़ प्रोसेसर है CPUs, ये उनके साथ मिल के काम करते हैं। ये आपकी 2 GPUs हैं और ये दोनों जो हैं वो आपकी CPUs सब PCI Express बस से कनेक्टेड हैं और ये सब के सब ये एक सिंगल एड्रेस स्पेस जो है इन्होंने शेयर की हुई है, ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटी ये होती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई हर एक की एड्रेस स्पेस डिफरेंट है। ये सिस्टम मेमोरी है, ये GPUs की मेमोरी है, ठीक है जी। तो ये जब आप ग्राफिक्स कार्ड परचेज करते हैं तो जो सिस्टम GPU मेमोरी होती है बेसिकली वो ये मेमोरीज होती है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो है मल्टीपल मेमोरी स्पेसेस हैं, CPUs जो हैं वो अलग से हैंडल कर रहा है, GPUs अलग से हैंडल कर रहा है। तो ये सारा का काम कि भाई आपने वर्ड को कहाँ से पिक करना है और किधर प्लेस करना है और आपने अभी आप आगे GPUs की मेमोरी को भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कैसी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनमें जो कोऑर्डिनेशन है CPU और GPUs के अंदर, ये भी आपको जो प्रोग्रामर ने हैंडल करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने एक एडिशन का प्रोग्राम लिखा और छोड़ दिया, यहाँ भी आपको देखना होगा कि भाई आपका एडिशन जो है वो कौन परफॉर्म करेगा, आपका CPU परफॉर्म करेगा या GPU करेगा, GPU क्यों करेगा, उसे क्यों करना चाहिए, CPU अगर करे तो उसे क्यों करना चाहिए। सब जो हैं ये चैलेंजेस हैं एक GPU प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को कभी वक्त मिले और आप लोगों के पास NVIDIA का कोई ग्राफिक्स कार्ड हो तो ये जो CUDA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आई गेस नेक्स्ट स्लाइड में या एक दो स्लाइड्स में आने वाली है, यस, तो वो आप उसे लर्न ज़रूर करें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है जी। तो नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सिस्टम मेमोरी एंड GPU मेमोरी, ये भी आपको प्रोग्रामर को हैंडल करना है। तो ये एज अ प्रोग्रामर ये चैलेंजेस हैं, ठीक है। जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कोड नहीं लिखते हो जिसको आप कंपाइलर जो है वो आपका असेंबली में कन्वर्ट करके आपका सिंगल कोर के ऊपर या सिंगल प्रोसेसर के ऊपर रन कर देता है, यहाँ पे आपने अपने पूरा डेटा लेवल पैरेललिज्म को हैंडल करना है, ठीक है जी। तो अगर आपने GPUs को प्रोग्राम करना है, हम जो है इस लेक्चर में इस कोर्स में बेसिकली NVIDIA की GPUs को स्टडी कर रहे हैं। तो NVIDIA डिसाइडेड टू डेवलप अ सी लाइक लैंग्वेज, उसने सी लाइक लैंग्वेज डेवलप करने का डिसाइड किया जी कि भाई हम उसे अपने GPUs को प्रोग्राम कर सकें अपने हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को, जो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, आपको CPU और GPUs ने मिल के कोऑर्डिनेट करना है और आपको टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है जी। और ये जो लैंग्वेज है मल्टी फेसेटेड पैरेललिज्म को सपोर्ट कर रही है, इन अदर वर्ड्स जितनी भी टाइप की पैरेललिज्म आपने पढ़ी है, स्पेशली जो डेटा लेवल पैरेललिज्म हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसको भी सपोर्ट करती है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को भी सपोर्ट करती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और थ्रेड लेवल पैरेललिज्म
को भी सपोर्ट करती है, ठीक है जी। तो कूडा स्टैंड फॉर कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, जो बेसिकली ये उसका एक जो ये एनवीडिया के ऑफिशियल साइट के ऊपर की इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर गिवन है। इसमें जो कूडा बेसिकली करता कुछ ही है कि आप जो है वो कूडा में प्रोग्राम कर रहे हैं, जो बेसिकली सी लाइक लैंग्वेज है, ठीक है, और ये LLVM कंपाइलर्स यूज हो रहे हैं फॉर कूडा, ठीक है। ये LLVM बेसिकली ये एब्रीविएशन नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट का नाम था, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली इन्होंने एक कंपाइलर डेवलप करना था फॉर GPUs, और ये इन्होंने किया। ये आप LLVM कंपाइलर्स को गूगल करेंगे तो आपको आपके पास पता इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, आप अपने तौर पर इसको देख सकते हैं। तो होता ये है जब आपका कोड कंपाइल होता है तो बेसिकली ये कूडा जो है ये C++ फॉर सिस्टम प्रोसेसर, ये जो आपका CPU है x86, ये इंटेल का CPU है, इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके लिए तो C++ जो आपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, C++ पढ़ी हुई है, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल उस तरह का कोड जनरेट कर देता है, ठीक है जी। और ये जो GPU है NVIDIA का, उसके लिए वो क्या करता है, सी और सी प्लस प्लस डायलेक्ट फॉर GPUs, ये इस तरह का कोड जनरेट करेगा जो सिर्फ और सिर्फ GPU ही अंडरस्टैंड करेगा। ये GPU का कोड जो सी सी प्लस प्लस की तरह का होगा, ये आपका CPU के ऊपर रन नहीं हो सकेगा, ये सिर्फ और सिर्फ NVIDIA के ऊपर ही रन होगा, ठीक है जी। तो आपका बेसिकली कूडा जो है जब कंपाइल करते हैं आप इसके अपने कोड को कूडा में लिखा हुआ कोड जब कंपाइल करते हैं तो बेसिकली वो दो तरह के कोड जनरेट करता है कंपाइलर, एक CPU को प्रोवाइड कर देता है और एक GPU को प्रोवाइड कर देता है, और GPU का जो कोड होता है वो सिर्फ GPU ही अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कहीं पे भी दरमियान में, कहीं पे भी मुझे आप दरमियान में इंटरप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगेन पहले मैंने आपको बताया ये जो थ्रेड्स हैं, ये POSIX थ्रेड्स जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं, ये उस तरह के थ्रेड्स नहीं है, ये कूडा थ्रेड्स हैं, ये GPU के थ्रेड्स हैं, कूडा थ्रेड्स हैं, NVIDIA स्पेसिफिक थ्रेड्स हैं, ठीक है जी। इसको आपने POSIX थ्रेड से कंफ्यूज नहीं करना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अ थ्रेड इज एसोसिएटेड विद ईच डेटा एलिमेंट, ये फर्क है मेन जो POSIX थ्रेड से डिफरेंट बनाते हैं इन थ्रेड्स को। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, डेटा एलिमेंट्स हैं, आप हर एलिमेंट के साथ एक थ्रेड को एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है जी। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। थ्रेड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स, बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं आप उनको एक ब्लॉक का नाम दे देते हैं, और मल्टीपल ब्लॉक्स जो हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू अ ग्रिड, ठीक है जी। तो ब्रॉडली एक ग्रिड है, ग्रिड के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, और हर थ्रेड जो है वो हर डेटा एलिमेंट को ट्रीट कर रहा है, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, ब्रॉडली एक बहुत बड़ा ग्रिड है, उस ग्रिड के अंदर बेतहाशा ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अंदर बेतहाशा थ्रेड्स हैं, ठीक है जी। ब्लॉक्स बेतहाशा नहीं है, लिमिटेड हैं, लेकिन थ्रेड्स जो हैं हर ब्लॉक के अंदर बहुत सारे हैं। आप देखेंगे अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपने अभी तक जितने एक दो स्टूडेंट्स ने शायद क्वेश्चन किए, एक मल्टी कोर वाला क्वेश्चन किया सर, जो सारे ALUs हैं ये सब कोर्स हैं, तो अभी हम आगे जाके इनको देखेंगे, ठीक है जी। और ये थ्रेड्स और ब्लॉक्स, और ये थ्रेड्स ब्लॉक्स और ग्रिड के हैं, ये भी अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, लेकिन अगेन आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है जी। GPU हार्डवेयर हैंडल्स थ्रेड मैनेजमेंट नॉट एप्लीकेशंस और OS, जो POSIX थ्रेड्स हैं उनको OS ज़्यादा हैंडल कर रहा होता है, ठीक है जी। तो जो GPU थ्रेड्स हैं इनको हार्डवेयर में ये मैनेज हो रहे होते हैं, ये कोई एप्लीकेशन इन्हें मैनेज नहीं कर रही होती, आप एप्लीकेशन लेवल पे थ्रेड्स को मैनेज नहीं कर रहे होते। जैसे आपने POSIX थ्रेड्स लिखे हैं सी में और उसको फिर कंपाइल किया और वो रन हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन POSIX थ्रेड्स को हैंडल कर रहा है, ये वैसे नहीं है। ये जो थ्रेड्स हैं ये GPU का हार्डवेयर उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। कैसे हैंडल कर रहा है थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली CUDA प्रोग्रामिंग इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड मॉडल, यहाँ थ्रेड बेसिकली हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हर थ्रेड एक डेटा को हैंडल कर रहा है, ठीक है जी। अ थ्रेड इज एसोसिएटेड विद ईच डेटा एलिमेंट, इट मीन्स CUDA प्रोग्रामिंग इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड मॉडल। तो फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ी सी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख लें, वेक्टर आर्किटेक्चर से GPU कितना डिफरेंट है और कितना सिमिलर है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। तो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं जी, वर्क वेल विद डेटा लेवल पैरेललिज्म, यस वेक्टर्स जो हैं वो भी डेटा लेवल पैरेललिज्म के लिए यूज़ हुए थे, GPUs भी डेटा लेवल पैरेललिज्म के लिए यूज़ हो रहे हैं। वेक्टर्स के अंदर भी गैदर और स्कैटर ट्रांसफर्स थी। GPUs के अंदर याद रखें
हर इंस्ट्रक्शन गैदर और स्कैटर है, हर इंस्ट्रक्शन गैदर स्कैटर बेस्ड है। वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होती थी कि आपने गैदर स्कैटर यूज करना है या नॉर्मल ट्रांसफर यूज करना है, लेकिन जीपीयूज के अंदर एवरी इंस्ट्रक्शन इज गैदर स्कैटर। ठीक है जी, यहाँ पे भी मास्टर रजिस्टर यूज हो रहे हैं और यहाँ पे भी लार्ज रजिस्टर फाइल जो है वो यूज होती है। डिफरेंसेस क्या हैं जी? वेक्टर आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, जबकि जीपीयूज जो हैं उनको स्केलर प्रोसेसर चाहिए होता है। ठीक है जी, जीपीयूज सीपीयूज के बगैर काम नहीं करते, इनको इस सीपीयू की रिक्वायरमेंट इनकी है, जबकि जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं वो बेसिकली आपकी सीपीयूज की ही एक्सटेंशन होती हैं, उनको लिए सेपरेटली स्केलर प्रोसेसर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी, और यूज मल्टी थ्रेडिंग टू हाइड मेमोरी लेटेंसी। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जीपीयूज के अंदर लेटेंसी ज़्यादा होती है, तो ये बेसिकली साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहे होते हैं, इतने सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कि लेटेंसी का फैक्टर जो है, इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। हैज़ मैनी फंक्शनल यूनिट्स एज अपोज टू फ्यू डीपली पाइपलाइन यूनिट्स लाइक अ वेक्टर प्रोसेसर। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो वेक्टर प्रोसेसर्स हैं इनमें डीपली पाइपलाइन ALUs हैं, जबकि यहाँ पे GPUs के अंदर मैनी फंक्शनल यूनिट्स हैं। ठीक है जी, तो जो CPUs हैं, CPUs इनका पर्पस ये है कि इनमें लेटेंसी मिनिमम हो, जबकि GPUs के अंदर पर्पस ये है कि आपकी थ्रूपुट मैक्सिमम हो। तो अब हम देखते हैं, एक छोटा सा एक कोड है, ये हमने बेतहाशा दफ़ा देखा है, ये लूप है, डबल प्रिसीजन AX प्लस PY लूप। ठीक है जी, ये सिंपल सी का कोड है, आपके दो वेक्टर्स हैं X एंड Y, और अजम्पशन हमारी यही है कि इन दोनों वेक्टर्स के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, बल्कि नहीं 32 नहीं, हमारा लेट्स सपोज इन दोनों वेक्टर्स में 256 एलिमेंट्स हैं। तो आपने लूप यूज़ किए 0 टू n, ठीक है जी, और n एक्सक्लूड हुआ है, बेसिकली सिंपल सी का कोड है, और आप यहाँ पे ax प्लस y को परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट को वापस y में स्टोर कर रहे हैं। ये लूप हम बेतहाशा दफ़ा देख चुके हैं। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है कि ये लूप हम GPU में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो GPU में CUDA में प्रोग्राम करने के लिए कुछ छोटी सी पैरामीटर्स हैं, इनको आप अच्छी तरह समझ लें। ठीक है जी, तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शंस फॉर GPU डिवाइस, ये GPU को डिवाइस कह रहे हैं, और जो CPUs हैं उनको होस्ट का नाम कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है CUDA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, CPU को होस्ट कहा जाता है, GPU को डिवाइस कहा जाता है। ठीक है जी, तो CUDA यूजेस डिवाइस और ग्लोबल फॉर फॉर्मर, ये जो GPU के लिए CUDA के अंदर आप डिवाइस और ग्लोबल ये यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है जी, और ये जो होस्ट है ये आप CPU के लिए यूज करते हैं, डबल अंडरस्कोर होस्ट डबल अंडरस्कोर, और GPUs के लिए आपने क्या करना है, डबल अंडरस्कोर डिवाइस डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर। ठीक है जी, तो अब आगे जो है जी, आई गेस ये 3 अंडरस्कोर्स लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो CUDA वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद डिवाइस आर एलोकेटेड टू GPU मेमोरी, जो वेरिएबल्स इन के साथ डिक्लेयर होंगे वो आपकी GPU मेमोरी में एलोकेट होंगे। ठीक है जी, विच इज़ एक्सेसिबल बाय ऑल मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर्स। ये SIMD प्रोसेसर्स जो हैं ये बेसिकली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, वेक्टर आर्किटेक्चर्स की एक्सटेंशन है, और इन टर्म्स ऑफ GPUs, अभी जी मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, सर ये जो ALUs हैं ये प्रोसेसर्स ही हैं, तो यस, ये जो ALUs हैं बेसिकली ये सब के सब जो हैं ये आपके SIMD प्रोसेसर्स हैं। ठीक है जी, ये सब के सब SIMD प्रोसेसर्स हैं, और हर SIMD के अंदर ALUs हैं। अभी इसका फर्दर ये जो डायग्राम है इसको फर्दर एक्सप्लोर करके हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, इसको फर्दर एक्सपेंड करके ना हम थोड़ी देर में देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपके बेसिकली GPUs के अंदर बहुत सारे SIMD प्रोसेसर्स हैं। ठीक है जी, तो द एक्सटेंडेड फंक्शन, ओके, अब आप क्या करते हैं, बेसिकली ये आपकी सी में एक मेथड बना हुआ है DAXPY, आप इस मेथड को इन्वोक करते हैं, इसको पैरामीटर्स देंगे, लेंथ ऑफ वेक्टर्स n, कांस्टेंट a, और दोनों वेक्टर्स x एंड y। ठीक है जी, ये आपका मेथड है, और आप इस मेथड को अगर आप इन्वोक करना चाहते हैं तो सिंपल ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। ठीक है जी, मेथड नेम विद पैरामीटर्स, ये आपने मेथड को इन्वोक किया, ये आपकी मेथड की डिक्लेरेशन है। ठीक है, और ये उसकी बॉडी है।
अब अगर आपने कूडा के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो आप कुछ इस तरह यूज करेंगे, ये फॉर्मेट यूज करेंगे, मेथड नेम, ये डायमेंशंस हैं, ग्रिड डायमेंशंस, ब्लॉक डायमेंशंस, और ये पैरामीटर लिस्ट है, ठीक है जी। दिस इज पैरामीटर लिस्ट, दिस इज मेथड नेम, इसके अलावा आप ये डायमेंशंस यूज करेंगे, ठीक है जी। तो वेयर ग्रिड डायमेंशंस एंड डिम ब्लॉक, ब्लॉक डायमेंशन स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ अ कॉर्ड इन थ्रेड ब्लॉक्स एंड डायमेंशंस ऑफ अ ब्लॉक इन थ्रेड्स, ठीक है जी। इन एडिशन टू द आइडेंटिफायर फॉर ब्लॉक्स, ब्लॉक आइडेंटिफायर IDX एंड द आइडेंटिफायर फॉर ईच थ्रेड इन अ ब्लॉक। अब यहाँ पे दो तरह के आइडेंटिफायर्स हैं, मैंने आपको कहा था बेसिकली आपका एक ग्रिड है, ग्रिड के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अंदर बहुत सारे बेतहाशा थ्रेड्स हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक आईडी इज एन आइडेंटिफायर फॉर अ ब्लॉक, थ्रेड आईडी इज एन आइडेंटिफायर फॉर थ्रेड इनसाइड अ ब्लॉक, ठीक है जी। तो एक ब्लॉक आईडी है, एक थ्रेड आईडी है। कूडा प्रोवाइड्स अ कीवर्ड फॉर द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक कितने हैं वो ब्लॉक डायमेंशन के अंदर, ये जहाँ पे जो हम लिख रहे हैं सॉरी ब्लॉक डायमेंशन विच कम्स फ्रॉम द डिम ब्लॉक, यहाँ से जो पैरामीटर, यहाँ से एक पैरामीटर आता है डिम ब्लॉक डायमेंशन, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स हैं। उन थ्रेड्स का इंडिविजुअली थ्रेड आईडी है और ब्लॉक्स का जो आईडी है दिस इज ब्लॉक आईडी एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एक्स है इसका भी एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है। आप लोग जानते हैं, आप सब ने गेम्स खेली हुई हैं, 3D गेम्स होती हैं, पहले सिंपल 2D गेम्स होती हैं, 3D गेम्स होती हैं एक्स वाई जी डायमेंशन के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक्स है इट इज इन एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पे वाई होता तो इट विल बी वाई एक्सिस, एंड जी होता तो इट इज इन जी डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ना सिर्फ ये जो ALUs हैं, ये जो ALUs हैं आप इनको एक्स वाई जी डायरेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यही कोड, ये जो कोड है जो आपने सी में लिखा हुआ है, सिंपल सी में, इसको अगर हम कूडा में लिखें तो ये कैसे बन जाएगा भाई। ये आपका होस्ट है, यस, ये आपका होस्ट, होस्ट के ऊपर कोड है, ये आपका डिवाइस और GPU के ऊपर कोड है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे यहाँ डिवाइस और ग्लोबल जो कि ये जो कोड है इट इज़ बेसिकली कूडा कोड, ठीक है। और ये आपका वो कोड है जो आपका डिवाइस के ऊपर, सॉरी होस्ट के ऊपर, CPU के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है, आपके जो वेक्टर्स हैं 256 एलिमेंट्स के वेक्टर्स हैं, आपने यहाँ पे n ब्लॉक एक पैरामीटर डिक्लेयर किया है विच इज़ n प्लस 256 ओवर 256, ठीक है जी। ये बेसिकली आपको ब्लॉक की डायमेंशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। और ये अगर आप गौर करें, सेकंड जो है वो ब्लॉक की डायमेंशंस हैं, ये ग्रिड डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे 256 आपको दिया है और ये आपके फंक्शन के पैरामीटर्स हैं जो आपने कूडा में लिखना है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आप सिंपल सी में आप फंक्शन को ऐसे इन्वोक करते हैं, जबकि कूडा के अंदर आप अपने फंक्शन को कुछ इस तरह इन्वोक करते हैं, फंक्शन नेम, डायमेंशंस एंड फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। ये आपने फंक्शन को इन्वोक किया। अब ये जो फंक्शन है DAXPY, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो डिक्लेरेशन है, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स में डिक्लेयर की हुई है। तो अगेन वही पैरामीटर्स हैं NAXY। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने लूप बनाई थी और इस लूप ने एग्जीक्यूट करना है 256 टाइम्स, ठीक है, आइटरेट करना है 256 टाइम्स। यहाँ पे कोई लूप नहीं है, इवन सिंगल लूप भी नहीं है, यहाँ पे आप ये एक इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों को थ्रेड्स की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपको इसको, इस इंस्ट्रक्शन को समझने में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगेन कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिपीट भी कर दूंगा। ये जो आपने डायमेंशंस दी है ना यहाँ पे, ये ग्रिड डायमेंशन और ब्लॉक डायमेंशंस, यहाँ से आपने हर एलिमेंट की इंडेक्स को कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे जो बेसिकली आई है इट इज इक्वल टू दिस थ्रेड आईडी, हर थ्रेड जो है एक सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है जी। तो हर थ्रेड जो है वो AX प्लस Y को एग्जीक्यूट करेगा,
ठीक है जी। तो ब्लॉक आईडी इनटू ब्लॉक डायमेंशंस प्लस थ्रेड आईडी, इससे आपके पास एक इंडेक्स होगी जो आपके एलिमेंट को पॉइंट कर रही होगी, और उस वो इंडेक्स यहाँ पे यूज़ हो रही है इफ़ आई इज़ लेस देन एन, और वहाँ पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा, जो थ्रेड्स होते हैं वो आपके आप उनको डिफरेंट कोर्स के ऊपर, डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे एनवीडिया के अंदर आपके इतने ज़्यादा ALUs, SIEMD प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं कि हर थ्रेड हर प्रोसेसर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो आई है इसकी मल्टीपल कॉपीज होंगी विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ आई, और वो आई कैसे कैलकुलेट होगा, थ्रेड आईडी, ब्लॉक आईडी एंड ब्लॉक डायमेंशंस की बेस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपका जो एन ब्लॉक है इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, और ये जो सेकेंड पैरामीटर है इसकी वैल्यू 25 है, और आप चाहते हैं कि आप इंडेक्स कैलकुलेट करें, ये आईडी कैलकुलेट करें फॉर फिफ्थ थ्रेड ऑफ फोर्थ ब्लॉक आईडी। तो फिर क्या करेंगे आप, 4 × 25, ठीक है जी, दिस इज 25, 4 × 25 प्लस 5, ठीक है, फिफ्थ थ्रेड ऑफ फोर्थ ब्लॉक यूज करें, तो फिफ्थ थ्रेड प्लस फोर्थ ब्लॉक इंटू 25, तो इट विल बी 125, ठीक है जी। तो आई की वैल्यू जो होगी वो 125 होगी। 125 ये बेसिकली एक थ्रेड जो है वो किसी SIMD प्रोसेसर से एसोसिएटेड होगा, और वहाँ पे 125 की वैल्यू जो है वो इन इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए आपका ये ऑपरेशन AX प्लस Y को कैलकुलेट कर रहा होगा, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये 2 इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होंगी और फिनिश। जो सिंपल ऑर्डिनरी आपका प्रोसेसर है उसमें आपकी ये पूरी लूप को एग्जीक्यूट होना है, और हर आइट्रेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उतनी आइट्रेशन कंप्लीट करनी है, जबकि इस यहाँ पे आपका जो CUDA के अंदर आपकी सिंपल 2 इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपका सब काम पूरा हो गया, आपका पूरा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो ईच लूप आइट्रेशन ऑफ कन्वेंशनल सी बिकम्स अ सेपरेट थ्रेड, जो आपकी सी की कन्वेंशनल आइट्रेशन थी, हर आइट्रेशन जो है वो एक सेपरेट थ्रेड के तौर पर यहाँ पे बने, और हर थ्रेड हर SIMD प्रोसेसर से एसोसिएट हुए और वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। एम थ्रेड्स 1 पर वेक्टर एलिमेंट विद 256 CUDA थ्रेड्स पर थ्रेड ब्लॉक इन अ मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इस में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पर जो आपने कैलकुलेशंस की हैं उस वो एक दफा प्लीज दोबारा बता दें। ये जो यहाँ पे आई की, हाँ जी हाँ जी, ओके, बेसिकली यहाँ पे एन तो अभी हमें अननोन है ना, यहाँ पे एन हमें अननोन है, लेकिन मैं लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एन है इट इज 100, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ एन इज 100, तो दिस थिंग इज 100, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे तो एन जो भी है, लेकिन ये जो एन ब्लॉक्स की वैल्यू है, लेट्स सपोज इट इज 100 एंड 256, एक्चुअली मैं इसे अज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज 25, तो अगर आप यहाँ पे इस ब्लॉक इस यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में आप अगर आप देखना चाहते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी फॉर फिफ्थ थ्रेड ऑफ फोर्थ ब्लॉक, ठीक है जी, तो दिस इज थ्रेड आईडी, दिस इज फिफ्थ थ्रेड, इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है जी, और ब्लॉक आईडी की वैल्यू 4 है, आप फोर्थ ब्लॉक का फिफ्थ थ्रेड चेक कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है इट इज 25, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये जो आपके सामने कोड है, इसमें तो एन की ये जो क्या कहते हैं ब्लॉक डायमेंशन, इट इज़ एक्चुअली 256, ठीक है, अगर 256 भी देख लें तो 4 × 256 प्लस 5, तो इसका जो भी आंसर आएगा डेट विल बी द इंडेक्स ऑफ योर वेक्टर्स एक्स एंड वाई, जो यहाँ पे परफॉर्म होगा आपके SIMD प्रोसेसर के ऊपर। क्लियर हो गया या दोबारा रिपीट कर दूँ? जो एन है, एन की वैल्यू क्या होगी वो हम खुद अज्यूम करेंगे। ये जो यहाँ पे जो कोड है ना, यहाँ पे जो कोड है,
ये जो आपके सामने यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ये जो n है बेसिकली इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर वेक्टर्स, ये थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये जो n ब्लॉक्स है ना, ये n ब्लॉक्स ये आपके ग्रिड डायमेंशंस के लिए यूज हो रहे हैं कि आपकी कितनी जो आपके एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है? तो अगर लेट्स सपोज n जो है वेक्टर्स x और y जो है इनकी लेंथ जो है वो लेट्स सपोज 10,000 है, तो आपका जो आप जिस CUDA प्रोसेसर के ऊपर, जो NVIDIA प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, इट कैन हैंडल 256 CUDA थ्रेड्स पर थ्रेड ब्लॉक। जो एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक होगा ना, सिंगल थ्रेड ब्लॉक, उसके अंदर 256 थ्रेड्स होंगे, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे 256 यूज हुआ है, क्योंकि जो कोड है ये जिस भी NVIDIA प्रोसेसर के लिए रन लिखा गया है, जिसके लिए भी लिखा गया है, वो NVIDIA का जो GPU है वो 256 थ्रेड्स को हैंडल करता है, ठीक है? तो यहाँ पे n की वैल्यू 1000 पुट करें, जो भी वैल्यू आएगी तो आपके उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है? तो वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होगी। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आती है 10, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 10 आती है, ठीक है? तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 256 है, और आप देखना चाहते हैं कि फिफ्थ ब्लॉक में, लेट्स सपोज फिफ्थ ब्लॉक में या फिफ्थ ब्लॉक में 10th थ्रेड जो है उसके लिए इंडेक्स क्या है, तो ये थ्रेड की वैल्यू 10 है और ब्लॉक आईडी की वैल्यू जो है वो 5 है, इसकी आप करें। और यहाँ पे हमने एज्यूम किया ये n ब्लॉक्स जो है, ब्लॉक डायमेंशन जो है वो आप कह लें कि 256 है, थ्रेड्स जो नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है एक ब्लॉक के अंदर 256 है, तो 256 इंटू 5 प्लस यहाँ पे हम थ्रेड आईडी जो है वो हम कौन सा चूज कर रहे थे, लेट्स सपोज 10, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपके इंडेक्स आई होगी, ठीक है जी? क्लियर हो गया या पूछना चाहते हैं अभी भी आप तो पूछ रहे हैं, मैं आपको रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझ आया। जी सर, क्लियर है। चलें जी, गुड, ठीक है जी। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी है, ब्लॉक्स को हैंडल करना है, नंबर ऑफ थ्रेड्स को देखना है, या आपने इंडेक्सेस किस तरह हैंडल करनी है, सब चीजें जो है आपको, ये चैलेंजेस हैं आपके GPU प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है जी? ये सिंपल सा एक था जो सी में लिखा गया था, उसको हमने GPU में अगर रन करना है तो हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, डायमेंशंस देखनी पड़ी हैं हमें यहाँ पे, ठीक है? लेकिन अगेन ये सिर्फ और सिर्फ GPU की 2 इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत जल्द एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है जी? तो द प्रोग्रामर स्पेसिफाई ग्रिड डायमेंशंस नंबर ऑफ थ्रेड्स पर SIMD प्रोसेसर। यस, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया, हमने ग्रिड डायमेंशंस और नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो हमने मेंशन किए हैं कि आपने आपके SIMD प्रोसेसर के ऊपर कितने रन होने चाहिए, ठीक है जी? CUDA रिक्वायर्स दैट थ्रेड ब्लॉक्स। सर, ये जो थ्रेड्स हैं ये सेम कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला? नहीं, ये वो नहीं है, मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, अभी मैंने कितनी दफ़ा मैंने कहा है कि दे आर नॉट POSIX थ्रेड्स, दे आर टोटली डिफरेंट थ्रेड्स, दे आर नोन एज CUDA थ्रेड्स, दे आर स्पेसिफिक टू NVIDIA GPUs और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स के जो प्रोग्रामिंग है उनसे स्पेसिफिक है, दे आर नॉट POSIX थ्रेड्स, दे आर नॉट हैंडल्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट बाई एप्लीकेशन, दे आर मैनेज इन हार्डवेयर। जी पूछे, यूज किस तरह से हो रहे होते हैं, मतलब डायनामिकली स्पेसिफाई हो रहे होते हैं या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, 3-4 स्लाइड्स जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थ्रेड कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है जी? 3-4 स्लाइड्स जाएगी, तो अभी तक अगर दिमाग में आप लोगों के कुछ चल रहा है तो होपफुली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगेन आप मुझे दिमाग में इंटरप्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लें तो आपको अभी पता चल जाएगा ये POSIX थ्रेड से कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं, और एक्चुअली ये POSIX थ्रेड्स हैं ही नहीं, ठीक है जी? तो दीज आर नोन एज CUDA थ्रेड्स, ठीक है जी? तो CUDA रिक्वायर्स दैट थ्रेड ब्लॉक्स बी एबल टू एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली एंड इन एनी ऑर्डर। आप लोगों ने देखा था डेटा अवेलेबल पैरेललिज्म के अंदर, आप डेटा को तब भी पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर, अगर उनके अंदर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को ही डेटा लेवल पैरेललिज्म के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो थ्रेड्स हैं, अगेन आप
ये याद रखें कि एवरी थ्रेड इज एसोसिएटेड विद एन डेटा एलिमेंट, विद अ डेटा एलिमेंट, ठीक है जी। तो डेटा एलिमेंट्स के साथ आपके थ्रेड एसोसिएटेड हैं, हर थ्रेड एक सिंगल डेटा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें जितने भी ऑपरेशंस करने हैं वो थ्रेड परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। तो हर एलिमेंट, जैसे वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी किया था, हर एलिमेंट जो आपके डेटा लेवल पैरेललिज्म आप अचीव कर रहे हैं तो वहाँ पे हो रही है जहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस है, डेटा लेवल में डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। तो अगेन कूडा के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट है कि थ्रेड ब्लॉक्स टू बी एबल टू एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली एंड इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आप सिक्वेंशली कर रहे हैं ना, पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। इवन वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर भी आपने रो मेजर कॉलम मेजर को देखा था। तो यहाँ पे ये जो आई है ये रैंडम, इसकी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें ना और आई को ट्रैक करें, यानी आप प्रिंट आई कर दें, तो आपको नज़र आएगा कि रैंडम एक तरह का रैंडम नंबर जनरेटर होगा बिटवीन जीरो टू एन, ठीक है। और ये हर ब्लॉक, ये मल्टीपल इसकी कॉपीज बन चुकी हैं और ये हर SIMD प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये एनी ऑर्डर में, क्योंकि डिपेंडेंस है नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लास्ट एलिमेंट एरे का पहले ऐड हो जाए या फर्स्ट एलिमेंट या मिड में, क्योंकि डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी एरे को किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस करें, ठीक है। डिफरेंट थ्रेड ब्लॉक्स कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, जो डिफरेंट थ्रेड ब्लॉक्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दे कैन कोऑर्डिनेट यूजिंग एटॉमिक मेमोरी ऑपरेशंस इन ग्लोबल मेमोरी, ठीक है जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। ये जो है इस GPUs के अंदर आपके बेताशा थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर एक ही ब्लॉक है, थ्रेड ब्लॉक, और उसके अंदर 256 थ्रेड्स हैं। GPU 1 जो है इसके अंदर भी एक ही ब्लॉक है और इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं। तो जो GPU 1 के थ्रेड्स हैं ये आपस में तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर इनके थ्रेड्स ने GPU 1 के थ्रेड से कम्युनिकेट करना है तो ये ग्लोबल मेमोरी के थ्रू एटॉमिक ऑपरेशंस यूज करते हुए उसको आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ओके जी, अब आगे डिटेल में जाने से पहले कुछ थोड़ा सा मैं आपको खास तौर पे जो यहाँ पे, अगर आप में से कोई गेमर्स हैं, कौन है भाई आप में से गेमर कौन है भाई, जो सही प्रॉपरली गेमिंग का कह लें कि शदा जी जी, आप खेलती हैं फ्रीज, आप खेलती हैं गेम्स? जी सर। ओके गुड, और कोई? थोड़ी बहुत खेलते हैं। तो जी ये आप लोगों ने एनवीडिया के GPUs को यूज़ किया होगा होपफुली। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये जो फर्स्ट इनका GPU था 1995 में, NV1 कोड नेम था उसका, और बेसिकली जो मार्केट में ये GPU अवेलेबल था इट वाज बाय द नेम, ये जिसका नाम था ये, इट वाज डायमंड एज 3D, ठीक है। और फिर 1998 में फ़ारेनहाइट कोड नेम से इनके GPUs आए, और उनकी जो सीरीज थी Riva TNT, और इसमें से एक एग्जांपल जो है कि Riva 128 इनका एक GPU था, राइट। तो अब जो आजकल के हैं उसमें से एक टेस्ला बहुत पॉपुलर हुआ था, उस पर 2006 में लॉन्च हुआ था। ये GeForce 8, 9, 100, 200, 300 सीरीज़ जो हैं, GeForce ज़्यादातर के पास ये GeForce पाकिस्तान में GPUs हैं, उसमें से 8, 9, 100, 200, 300 सीरीज़ जो हैं ये टेस्ला आर्किटेक्चर्स की थी, और इसमें से एक बहुत पॉपुलर जो GPU था GTX 280, ठीक है, हो सकता है आप में से ये यूज़ भी किया हो लोगों ने। उसके बाद ये पास्कल है, जो बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे पास्कल को, ठीक है जी। आपकी बुक 2017 में पब्लिश हुई थी, तो इन्होंने जो एग्जांपल आर्किटेक्चर आपका GPU के लिए रखा हुआ है, दिस बुक इज़ फुली अप टू डेटेड, ठीक है। अगर इसका नेक्स्ट वर्जन होगा तो होपफुली उसमें MPR आर्किटेक्चर भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पास्कल है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वेंसडे को इसको डिटेल में देखने जा रहे हैं, और इसमें ये GeForce 10 सीरीज़ के प्रोसेसर हैं, उसमें से जो आपकी बुक के अंदर हमने प्रोसेसर को देख रहे हैं इट इज़ GP100, ठीक है। और जो इस सीरीज़ के जो पॉपुलर आप कह लें जो GPUs है GTX 1070, GTX 1080, ठीक है। उसके बाद ट्यूरिंग 2018 में लॉन्च हुआ, GeForce 20 सीरीज़ है, इसमें RTX 280 Ti, ठीक है, ये टाइटन RTX के नाम से भी मशहूर है। और ये जहाँ पे जो R है इट इज़ बेसिकली एक अगर आप में से किसी को इमेज प्रोसेसिंग में या आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कोई इमेज प्रोसेसिंग यूज़ कर रहा हो तो वो शायद उसने उसको देखा हो कि ये रे ट्रेसिंग एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये
वीडियो प्रोसेसिंग, इमेज ट्रेसिंग के अंदर रे ट्रेसिंग, यहाँ पे जो आर स्टैंड फॉर रे ट्रेसिंग, ठीक है जी। और ये जो एम्पियर लेटेस्ट इनका जी पी यूज है 2020 में लॉन्च हुआ था, जी फोर्स 30 सीरीज और इसका जो आर टी एक्स 3080, ठीक है। और यहाँ पे एक GA102, ये भी एक इनका एक प्रोसेसर है। तो आप में से हो सकता है में से कोई ना कोई यहाँ पे जो जी फोर्स की 89 सीरीज में से आई गेस मैंने यूज़ किया हुआ है, आप लोगों ने हो सकता है GTX 1080 यूज़ किया हो, तो पता नहीं आप में से कोई पता है, आप में से है पता है आप लोगों को इनमें से कौन सा कोई है ऐसा प्रोसेसर जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है आप में से कोई यूज़ कर रहा हो? सर 2060 यूज़ किया हुआ सर, 2060 या 70 साल। ओके, यानी बेसिकली आपने ये 2018 जी फोर्स 20 सीरीज का आपने यूज़ किया है, RTX 20, ठीक है जी। ओके जी, चलें गुड, कोई एक स्टूडेंट आया, अच्छा ओके जी। अब मैंने अगेन ये जो एनवीडिया है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है इंटेल। जैसे आप देख लें रिस्क फाइव जो है माइक्रो प्रोसेसर, ये इंटेल से बिल्कुल टोटली डिफरेंट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एनवीडिया है, ये जो आपके बाकी जो जी पी यूज हैं इंटेल की जी पी यूज हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। लेकिन ये जो एनवीडिया है ना, इनके साथ काफ़ी आप ये कह लें कि इनकी टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप लोग जो है अगर आप एक बात करें वेक्टर आर्किटेक्चर की, तो आप कहते हैं जी सीक्वेंस ऑफ SIMD लेन ऑपरेशंस। आपको याद होगा SIMD के अंदर हमने लेन पाइपलाइन को लेन का नाम दिया था, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ CUDA थ्रेड। ये जो ये वाला कॉलम है, ये टर्म्स हैं CUDA की, NVIDIA की टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफरेंट हैं और कंफ्यूजिंग हैं आपके जो ट्रेडिशनल प्रोसेसर्स हैं उनसे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ CUDA थ्रेड, जबकि ये सिंपल क्या है, सीक्वेंस ऑफ SIMD लेन ऑपरेशंस, रैप अ थ्रेड ऑफ SIMD इंस्ट्रक्शंस जो हैं, एक थ्रेड है। आपने POSIX थ्रेड्स के अंदर क्या देखा हुआ है, एक थ्रेड होता है उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है किसी कोर के ऊपर, किसी प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो थ्रेड है, थ्रेड ऑफ SIMD इंस्ट्रक्शंस है, वो वेक्टर इंस्ट्रक्शंस, ये जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स की डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, NVIDIA इसको रैप का नाम देता है, ठीक है जी। और बहुत सारी टर्म्स हैं, ग्लोबल मेमोरी, जबकि यहाँ पे बेसिकली इसको यूज़ होना चाहिए GPU मेमोरी, ठीक है। लेकिन ये NVIDIA इसको GPU मेमोरी नहीं कहता, इसको ग्लोबल मेमोरी का नाम दे रहा होता है, ठीक है। अब ये जो आपने आप कह लें कि जो यहाँ पे हमने ये बात कही थी ना, ये आपके प्रोसेसर्स हैं, SIMD प्रोसेसर्स हैं, SIMD प्रोसेसर्स, तो CUDA जो है, CUDA इसको कह रहा होता है जनाब थ्रेड प्रोसेसर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको ये आपकी बुक के अंदर गिवन है, इनको आप देख लीजिएगा। हम अब जो यूज़ होनी है, हमने जो यूज़ करनी है उनको हम देखते हैं। कोड डेट वर्क्स ओवर ऑल एलिमेंट्स इज द ग्रिड। आप यस जी पूछें सर, जो अभी आप बात करें NVIDIA जो उन पे CUDA लैंग्वेज आप कह रहे हैं, तो सर जो बाकी हैं मतलब AMD के ग्राफिक्स कार्ड हैं वो भी काफ़ी वो फेमस हैं, तो उनमें भी CUDA ही यूज होती है या कोई और लैंग्वेज है? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो CUDA इज स्पेसिफिक टू NVIDIA, अगर आपने डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ करने हैं तो उनके लिए ओपन CV या ओपन OL आई गेस, एक मैं भी आपको बता देता हूँ, ओपन CV थी या ओपन OL मुझे भूल गया, वो यूज़ होती है, मैं भी आपको बता देता हूँ, ओपन CL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप डिफरेंट प्रोसेसर GPUs के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CUDA इज़ डेवलप्ड बाई NVIDIA, ठीक है। अगर आप CUDA प्रोग्रामिंग को इंटेल के GPUs के ऊपर रन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, मैंने जब ट्राई किया था तब नहीं हुआ, नहीं अब आज क्या स्टेटस है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अगर आपने इंटेल के GPUs को यूज़ करना है तो ओपन CL आप यूज़ कर सकते हैं। यही क्वेश्चन है आपका, कुछ और पूछना चाह रहे थे? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वो मतलब जैसे जो एप्लीकेशंस आमतौर पे बनती हैं, मतलब कोई भी अगर जैसा रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग, गेमिंग से भी हैं वो भी, यस गेमिंग से या कोई इस तरह के जो
जो जीपीयूज यूज करते हैं बेसिकली। यस यस मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब हम अगर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें मतलब डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड के लिए डिफरेंट कोड्स जो है वो लिखने पड़ेंगे, या मतलब वो कोई हम एक भी ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही कोड होगा और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा जो जीपीयू है उसके अकॉर्डिंगली। ओके okay. अब अगर आपको याद हो ना, मैं आपका भी आंसर, मैं आपका आंसर करती हूँ. आप लोगों को याद होगा मैंने इस कोर्स के बिल्कुल शुरू में एक बात एक्सप्लेन की थी. आई गेस फर्स्ट टू लेक्चर्स में, फर्स्ट टू थ्री लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन की थी कि जो विंडोज़ है ना, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने जब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, इनकी जो विंडोज़ थी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटेल को टारगेट किया हुआ था. ठीक है, इसके अलावा बेताशा मार्केट में माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, अब तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पहले कुछ थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इंटेल के अलावा भी कुछ प्रोसेसर थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सिर्फ सिर्फ इंटेल के ऊपर एग्जीक्यूट होते थे. गूगल ने क्या किया, गूगल ने इंटेल को टारगेट नहीं किया, उन्होंने आर्म को टारगेट किया. ठीक है, जो आपके सेलुलर डिवाइसेज हैं, मोबाइल डिवाइसेज हैं, इनमें इंटेल नहीं यूज़ हो रहा ज़्यादातर, इनमें आर्म प्रोसेसर यूज़ होता है. तो गूगल ने इनको टारगेट किया, और उन्होंने बेसिकली, गूगल ने ये किया कि उन्होंने डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया. ठीक है, यही कंसेप्ट बेसिकली जावा में भी था कि आप किसी स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए आप कोड ना लिखें, बल्कि आप जावा जो है वो किसी भी प्रोसेसर के ऊपर आप उसे पोर्ट कर सकें, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप अपने कोड को पोर्ट कर सकें. जावा के अंदर भी ये कंसेप्ट था. तो फिर माइक्रोसॉफ्ट को बाद में होश आई, क्योंकि अपनी कैप मार्केट ये बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुके थे. तो इन्होंने अब ये किया कि इन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ऐसा किया कि ये प्रोसेसर इंडिपेंडेंट बन चुका है. ठीक है, अब आपका विंडोज़ जो है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी है, आपके टैबलेट्स के अंदर भी है, जिनमें आर्म प्रोसेसर हैं, इंटेल नहीं है. तो यही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि अगर हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, तो फिलहाल तो ये है कि हमें, अगर हम एनवीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एनवीडिया को ही टारगेट करते हुए कूडा में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी. हम कूडा का प्रोग्राम इंटेल के जीपीयूज के ऊपर रन नहीं कर सकते. स्टिल इस वक्त जो मुझे मुझे नॉलेज है वो ये है कि हम नहीं कर सकते. ठीक है, ओपन सी एल बहुत सारे जीपीयूज, बहुत सारे वेंडर्स के जीपीयूज को की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये श्योर नहीं है कि आपका कोड किस जीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होना है, तो आपको रिकमेंड करूंगा मैं कि आप ओपन सी एल के अंदर अपने कोड को लिखें, अपने अपना अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो ओपन सी एल के अंदर करें. ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों ने जीपीयू जो यूज़ करना है वो एनवीडिया का ही करना है, तो आप लोगों को जो है वो कूडा के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है. क्लियर हो गया क्वेश्चन, आंसर क्लियर हाँ हो जी गया? सर, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ओपन सी एल जो है वो एक लैंग्वेज है कोई, या लाइब्रेरी है यस कोई यस इसकी? यस बिल्कुल. जैसे कूडा जो है सी लाइक लैंग्वेज है, इसी तरह ओपन सी एल इज सी लाइक लैंग्वेज फॉर जीपीयू प्रोग्रामिंग. और ये बहुत ठीक सारे है, वेंडर्स के, बहुत सारे वेंडर्स को, इवन इंटेल के लिए, इंटेल के लिए कंफर्म है, ये बहुत सारे जीपीयू के लिए जो है, बहुत सारे वेंडर्स के जीपीयू के लिए ये यूज होती है. ठीक है, हम आगे चलते हैं जी. लेकिन अगेन ये ओपन सी एल इज सी लाइक लैंग्वेज है. ठीक है, बेसिकली आप ये लाइब्रेरीज ही हैं, लाइब्रेरीज ही हैं जो आप बेसिकली इसे यूज़ करेंगे, और उनके उनके मेथड्स को इन्वॉल्व करते हुए आप अपने जीपीयू को प्रोग्राम कर सकते हैं, अदर देन एनवीडिया. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. ये ग्रिड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एक ग्रिड के अंदर थ्रेड ब्लॉक्स हैं, आपका जो ग्रिड है आप उसको डिवाइड कर देते हैं इंटू मैनेजेबल साइजेस, और जो आप जो डिवीजन है, हर डिवीजन जो है वो थ्रेड ब्लॉक कहलाती है, और हर ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं. लेट्स सपोज 512 थ्रेड्स पर थ्रेड ब्लॉक, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है जी, अब एस आई एम डी इंस्ट्रक्शंस विद इन एस आई एम डी थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड के अंदर डिफरेंट एस आई एम डी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं. एग्जीक्यूट 32 एलिमेंट्स एट अ टाइम, वन थ्रेड पर एलिमेंट. ठीक है जी, तो ये बेसिकली वेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं. हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 एलिमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही है, और एक थ्रेड के अंदर मल्टीपल एस आई एम डी इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है जी, तो अगर ये 32 एलिमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही है एक इंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली जो आपका ग्रिड साइज होगा 512 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो 16 थ्रेड ब्लॉक्स होंगे अगर आप जो हैं वो आपके 512 थ्रेड्स हैं एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर 512 थ्रेड्स हैं. तो बेसिकली
हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, तो आपको 16 थ्रेड ब्लॉक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। ओके, स्ट्रिप माइनिंग हम चैप्टर 3 में हमने इसको स्टडी किया था। तो ये जो ब्लॉक्स हैं बेसिकली ये स्ट्रिप माइनिंग लूप, यानी ब्लॉक इज एनालॉगस टू स्ट्रिप माइंड वेक्टर लूप विद वेक्टर लेंथ ऑफ 32, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रिप माइनिंग समझ आ गई है तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने कहा था 256 आपके एलिमेंट्स हैं, 256 एलिमेंट्स हैं, वेक्टर लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो हर दफ़ा 256 और लास्ट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेट लूप के अंदर एग्जीक्यूट होते थे, अगर हम इसे स्ट्रिप माइंड लूप की तरह इसको सॉल्व करें तो 256 आपकी आइट्रेशन होती जाएंगी और फिर एक लास्ट लूप जो होगी उसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो आपका ब्लॉक्स हैं ये स्ट्रिप माइंड लूप्स की तरह आप इनको कह सकते हैं, वन थ्रेड ब्लॉक पर सिंगल मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर असाइन बाय द थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको दरमियान में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है। हर थ्रेड ब्लॉक जो है ना वो आपका मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर को असाइन हो जाता है, एक सिंगल थ्रेड ब्लॉक, एक ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, उस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है, बेतहाशा थ्रेड्स हैं, तो एक सिंगल ब्लॉक जो है एक आपके सिंगल SIMD प्रोसेसर को असाइन हो जाता है और ये असाइन जो करता है इट इज़ नोन एज थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर। मैंने आपको शुरू में कई दफ़ा कहा था कि GPUs के अंदर कंट्रोल यूनिट नहीं होता, GPUs के अंदर कंट्रोल यूनिट नहीं होता बल्कि वहाँ पे थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो शुरू में मैंने आपको बताया था ये कंट्रोल यूनिट्स नहीं है, दे आर थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर्स, ठीक है, ये आपके थ्रेड्स को स्केड्यूल करते हैं, ब्लॉक्स को ब्लॉक स्केड्यूलिंग करते हैं। द हार्डवेयर थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर, और ये हार्डवेयर में है जी, ये थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर इज बेसिकली हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर में नहीं है, कंपाइलर नहीं है, ये हार्डवेयर है, असाइंस डिफरेंट थ्रेड ब्लॉक्स टू डिफरेंट मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेस। अगर आप मल्टीपल थ्रेड ब्लॉक्स हैं तो मल्टीपल SIMD प्रोसेसर्स को असाइन करेगा। अब ये आपका एक GPU है, उसमें आपने एक ग्रिड को डिफाइन किया हुआ है, लेट्स सपोज आप करें A इज इक्वल टू B इंटू C और B और C के अंडर 8192 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो ये आपके डिफरेंट थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, SIMD थ्रेड 0, 1, 2 अप टू 16, ठीक है जी, ये आपके थ्रेड्स हैं। हर सिंगल थ्रेड के अंदर SIMD इंस्ट्रक्शंस हैं और हर इंस्ट्रक्शन 32 एलिमेंट्स 0 to 31 एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, 32 to 63 हर थ्रेड जो है, हर SIMD इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रही है। ये नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं 512 थ्रेड्स, लेट्स सपोज 512 थ्रेड्स जो हैं एक ब्लॉक के अंदर हैं, तो ये सिंगल ब्लॉक जो है इट इज अ थ्रेड ब्लॉक, इसके अंदर 16 SIMD थ्रेड्स हैं 0 to 15, ठीक है जी, और ये हर थ्रेड के अंदर 32 एलिमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं पर इंस्ट्रक्शन और हर थ्रेड के अंदर डिफरेंट SIMD इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जो थ्रेड ब्लॉक है, ये सिंगल थ्रेड ब्लॉक जो है, वन थ्रेड ब्लॉक पर सिंगल, ये जो थ्रेड ब्लॉक है ये थ्रेड ब्लॉक आपके एक सिंगल मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर को असाइन हो जाता है और ये असाइनमेंट कौन कर रहा है, थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर, ठीक है जी। और ये जो ब्लॉक्स हैं आपके 8192 एलिमेंट्स के लिए आपको 16 थ्रेड ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर आपके 512 एलिमेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं, 512 एलिमेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं, तो 512 को आप यूज़ करें इतने एलिमेंट्स के लिए तो आपको 16 ब्लॉक्स ही चाहिए, तो 0 टू 15 आपके 16 थ्रेड ब्लॉक्स आपके डेवलप हो गए हैं और ये हर ब्लॉक जो है एक सिंगल SIMD प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है जी। अब ये जो थ्रेड्स हैं, हार्डवेयर थ्रेड स्केड्यूलर, अगेन एक थ्रेड ब्लॉक स्केड्यूलर है, एक थ्रेड स्केड्यूलर है, ये भी हार्डवेयर में है, ये भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, कंपाइलर में नहीं है, ये POSIX थ्रेड्स नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनको हैंडल नहीं कर रहा, ये भी एक हार्डवेयर है, पिक्स विच थ्रेड ऑफ SIMD इंस्ट्रक्शन टू रन ऑन ईच क्लॉक साइकिल विद इन अ SIMD प्रोसेसर। ये थ्रेड स्केड्यूलर है, ये स्केड्यूल करता है कि किस थ्रेड ने किस प्रोसेस विच थ्रेड ऑफ SIMD इंस्ट्रक्शन टू रन ऑन ईच क्लॉक साइकिल, ये बेसिकली इन थ्रेड्स को स्केड्यूल कर रहा है आपके विदिन अ सिंगल SIMD प्रोसेसर। इस डायग्राम में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं,
आपके आप ये समझें कि 8192 एलिमेंट्स आपके एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पास्कल आर्किटेक्चर पढ़ना है उसके अंदर ये जो SIMD प्रोसेसर्स हैं जहाँ बेसिकली थ्रेड्स हैं ये 56 हैं। ये जो थ्रेड इट मींस पास्कल आर्किटेक्चर के अंदर 56 SIMD प्रोसेसर्स हैं, उसका मतलब ये है कि आप उस प्रोसेसर पे 56 थ्रेड ब्लॉक्स बना सकते हैं, यानी ये 8192 एलिमेंट्स भी उसके लिए कम है पास्कल आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, आप इमेजिन कर लें कि 56 थ्रेड ब्लॉक्स हों, यहाँ पे सिर्फ 16 ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं, 40 और हों तो आप कितने ज़्यादा एलिमेंट्स को आप साइमल्टेनियसली एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो एक आपका एक मिनट जी, ये जो आपका एक थ्रेड ब्लॉक है जो एक सिंगल SIMD प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है वो SIMD प्रोसेसर कुछ इस तरह का है। ये एक सिंगल SIMD प्रोसेसर है, इसमें आपकी एक इंस्ट्रक्शन कैश है और ये एक रैप स्केड्यूलर है। मैंने आपको कहा था NVIDIA जो है SIMD थ्रेड स्केड्यूलर को रैप स्केड्यूलर का नाम देता है। ठीक है जी, SIMD थ्रेड जिसमें वेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं, एक थ्रेड जिसके अंदर वेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं उसको SIMD थ्रेड कहते हैं, लेकिन NVIDIA इसको रैप कहता है। ठीक है जी, SIMD थ्रेड को NVIDIA रैप कह रहा है और ये जो थ्रेड है ये रैप स्केड्यूलर जो है बेसिकली आपका SIMD थ्रेड स्केड्यूलर है। ठीक है, और ये जो 16 थ्रेड्स हमारे यहाँ पे 16 ब्लॉक्स आपके बने हैं ना, यहाँ पे 16 ब्लॉक्स SIMD थ्रेड्स जो बने हैं, ये जो 16 थ्रेड्स आपके बने हैं SIMD थ्रेड 16 थ्रेड्स जो बने हैं ये आपके सिंगल SIMD प्रोसेसर के अंदर हर ये आपके 16 SIMD लेन्स हैं या थ्रेड प्रोसेसर हैं। NVIDIA इसको थ्रेड प्रोसेसर का नाम देता है। तो ये जो आपकी लेन्स हैं हर थ्रेड एक लेन को असाइन हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट होंगे 16 पैरेलल फंक्शनल यूनिट्स लाइक अ वेक्टर प्रोसेसर, ये सब एग्जीक्यूट होंगे। ये सिंगल SIMD प्रोसेसर की बात हो रही है और इस तरह के पास्कल आर्किटेक्चर के अंदर 56 प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, और एक सिंगल SIMD प्रोसेसर के अंदर इस केस में, ये पास्कल की डायग्राम नहीं है याद रखें, ये पास्कल का आर्किटेक्चर नहीं है, इस ये जो भी आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपके 16 SIMD थ्रेड्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक यूनिट है एड्रेस को एलेसिंग यूनिट, ये आपकी मेमोरी बैंडविड्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम आप थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे की क्वेश्चन है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिंगल SIMD प्रोसेसर है ये उसकी डायग्राम है और पास्कल आर्किटेक्चर के अंदर इस तरह के 56 प्रोसेसर्स हैं SIMD प्रोसेसर्स हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये आज की लास्ट थोड़ी स्लाइड रहेंगी। अब ये मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं, ये जो इनकी मेमोरीज हैं। ईच SIMD लेन हैज़ प्राइवेट सेक्शन ऑफ चिप DRAM। ठीक है जी, हर जो SIMD लेन है उनकी ऑफ चिप RAM के अंदर एक प्राइवेट सेक्शन है, प्राइवेट मेमोरी है। कंटेन्स टैग फ्रेम्स पिलिंग रजिस्टर्स प्राइवेट वेरिएबल्स। ये अगर आप अपने तौर पर NVIDIA का इंस्ट्रक्शन सेट को आप स्टडी करें या इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करें तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा, इनकी हम डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, ईच मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर आल्सो हैज़ लोकल मेमोरी। ये जो SIMD प्रोसेसर है ये इसकी लोकल मेमोरी है, ये आपकी रैम नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट शुरू में मैंने आपको डायग्राम दिखाई दी, यहाँ पे जो मेमोरी है कैशेज हैं ये बेसिकली ये लोकल मेमोरी है इन प्रोसेसर्स की। ठीक है, और यहाँ पे इनकी ये GPU मेमोरी है, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये ग्लोबल मेमोरी है, यहाँ पे इनके इंटरनल ऑन चिप लोकल मेमोरीज हैं और हर SIMD प्रोसेसर से अटैच्ड हैं। ठीक है जी, और ये जो मेमोरी है ईच मल्टी थ्रेडेड SIMD प्रोसेसर आल्सो हैज लोकल मेमोरी शेयर्ड बाय SIMD लेंथ थ्रेड्स विद इन अ ब्लॉक। मैंने आपको कहा था एक ब्लॉक के अंदर जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं 256 थ्रेड्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये मेमोरी जो लोकल मेमोरी है इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है, मेमोरी शेयर्ड बाय SIMD प्रोसेसर्स इज GPU मेमोरी। ठीक है, जो डिफरेंट SIMD प्रोसेसर्स हैं वो जो मेमोरी शेयर करें इट इज़ नोन एज GPU मेमोरी। ठीक है, होस्ट कैन रीड और राइट GPU मेमोरी,
ये जो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, ये जो GPU मेमोरीज हैं, आपका जो नॉर्मल ट्रेडिशनल माइक्रो प्रोसेसर है वो इन GPU मेमोरीज को भी यूज़ कर सकता है, ठीक है जी। और ये कुछ मेमोरी का स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल थ्रेड है जी, पर कूडा थ्रेड प्राइवेट मेमोरी, ये सिंगल थ्रेड की प्राइवेट मेमोरी होगी। ये जो थ्रेड्स हैं एक ब्लॉक के अंदर बेतहाशा थ्रेड्स हैं, ठीक है जी, और हर थ्रेड की लोकल पर ब्लॉक लोकल मेमोरी भी है, ठीक है जी, एक इनकी प्राइवेट मेमोरी है और पर ब्लॉक लोकल मेमोरी है। ये जो थ्रेड ब्लॉक है ये एक ग्रिड की फॉर्म है, मल्टीपल ब्लॉक्स जो हैं वो आपके एक एक ग्रिड के अंदर हैं, और ये ग्रिड्स जो हैं वो मल्टीपल ग्रिड्स भी हो सकती हैं, ठीक है जी, और ये सब ग्रिड्स जो हैं वो GPU मेमोरी को शेयर कर रही होती हैं, ठीक है, ये GPU मेमोरी को शेयर कर रही हैं। और अगर आप इस थ्रेड ने यहाँ के किसी थ्रेड से कम्युनिकेट करना है तो उनको एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी पड़ेंगी, और उसकी बेस पे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक है इसके अंदर बेताशा थ्रेड्स हैं, ये ब्लॉक्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, और इनमें जो मेमोरी है वो भी आपस में शेयर्ड है। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का आज के लेक्चर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।